तो ट्रेलर का रिव्यू देने से पहले सबसे पहले जोर से बोलेंगे जय श्री राम और जय श्री राम और जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आदि पुरुष के ट्रेलर के बारे में, जो कि मैंने इंस्टेंटली लाइव ही देखा 1 लाख लोगों के साथ। भाई प्रीमियम चल रहा था, 1 लाख लोग एक साथ देख रहे थे, कितना मजा आ रहा था। ट्रेलर की वाइब का फील कर रहे हैं, एक्चुअली भाई वाइब तो आई है दोस्तों, और मजा आया है कि भाई ट्रेलर इस लेवल पे निकाला गया है। और सबसे अच्छी बात, इसमें 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट मैं निकाल के आया हूं। आप सब वीडियो देख रहे हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। टीजर एक्चुअली प्रीमियम हो रहा था तब मैंने देखा था उसको, और मतलब देखते टाइम एक्चुअली इतनी अच्छी वाइब आई ना, तो मेरे को तो गूज़बम्प्स तक आ गए। बैकग्राउंड साउंड्स, डायलॉग्स और काफी ऐसे डायलॉग जिनको सुनने के बाद तो भाई मजा ही कुछ होता है। ऊपर से डबिंग जो करी हुई है वो बहुत सॉलिड है। रावण का लुक बहुत कम दिखाया गया है, वो हम नेगेटिव में बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो थी प्रेजेंटेशन VFX की, और पहले से करा गया बेहतर काम जो आगे इन्होंने टाइम लिया है पोस्टपोन करने का, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। अभी भी कुछ VFX में कमियां रही है, उसकी हम नेगेटिव में ही बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत ही सुंदर। चलिए हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट यही रहा कि टीजर के हिसाब से ट्रेलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकाला गया। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूं तो भाई एक एक डायलॉग गूज़बम्प्स लेके आ रहा था, क्योंकि भाई ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि हर बच्चे की जुबान पे इस कहानी को आज के टाइम में सुना जा सकता। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि मूवी बहुत ही ज्यादा कॉमन स्टोरी, क्योंकि हर बच्चों को इसकी कहानी पता है कि एट द एंड पॉइंट में क्या होना है। एक जो वो पॉइंट रहेगा कि इसको ओम राउत के नजरिए पे किस तरह की प्रेजेंटेशन करी जाएगी, वो तो इस मूवी में जाके पता लगेगा। लेकिन हाँ, टिकट डिजर्व करती है, तो फैमिली डिजर्व करती है, और ये फैमिली मूवी है भाई, मजा दिलाने वाली। ऊपर से प्रभास जैसा एक्टर है, फील डाल देगा भाई वो बंदा, देखते हैं वो कितनी ऊपर जाती है। लेकिन अभी तक देखो, टीजर देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, मूवी देखने के बाद कितना अच्छा लगेगा तो आप अंदाजे लगा सकते हो। मेरे तो गूज़बम्प्स आए थे दोस्तों, आपके इतना अच्छा रिएक्शन था इस टीजर को देखने के बाद और ट्रेलर को देखने के बाद, मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कहां से। सबसे बड़ी बात, अभी तक तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, और शॉर्ट्स जाके देखिए, और दुनिया भर की मूवीज आपके लिए शॉर्ट्स में मिलेगी।